चाहिए। ट्राई करूंगा। स्टेटमेंट लेवल पे चलता था क्या? नहीं भाई, बस बचपन में बस बहुत अच्छा है। कॉलेज के नाम पे, मम्मा कॉलेज के नाम पे मैं ये करता था। अगर ये जाता तो मैं बहुत खुश होता। ये क्या है, ये क्या है? एक सेकंड, क्या है? अर्जुन है क्या? करूँगा क्या? महाभारत खेल रहे? क्या करूँगा? ये क्या होता है? मिलने जो कंफर्ट है वही करूँगा। नीचे घूमना तो आज है 22 तारीख, मेरे लगे पड़े हैं भाई, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है सडनली। आई डोंट नो क्या हुआ है, एंड ऊपर से आई मीन वेदर चेंज की वजह से हुआ है। दवाई ले ली है। सीन ऐसा है कि अभी टाइम हो रहा है 9 बजे, मैं जा रहा हूँ दिल्ली आज रात को। सुबह 4:30 की फ्लाइट है, 12:30 बजे यहाँ से एयरपोर्ट निकलना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटा तो लगता है। एंड फिर सीधा घर जाऊँगा, डैड से मिलूँगा, जाके थोड़ा आराम करूँगा। एंड फिर है मेरा AMD का शूट जिसके लिए मैं जा वहाँ पे जाके तो मैं सबसे मिल पाऊंगा जो जो AMD के शूट के लिए आ रहे हैं, दिखाऊंगा शूट कैसे होता है। एंड उसके बाद फ्लाइट पकड़ के 24th की रात को वापस बैंगलोर आ जाऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं होनी। एंड एम्बर मेरे साथ जा रहा है क्योंकि एम्बर की सिबलिंग स्टडी करने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, तो एम्बर इज ज्वाइनिंग मी। एंड एम्बर भी घर पे मिलने जा रहा है अपने घर वालों से। एंड उसके बाद एम्बर थोड़े दिन बाद 26-27 तक आ जाएगा। बाकी बस यही सीन है, जाते हैं डेली, डैड से मिलता हूँ, फैमिली से मिलता हूँ, एंड जाता हूँ भाई शूट कंप्लीट करता हूँ, तुम लोगों को दिखाता हूँ शूट कैसा है। बस ये है स्टार्टिंग इंट्रो। अभी से पसंद आ रहा था लाइक सब्सक्राइब दबा दो और गेट वेल सून लिख दो भाई, लग गए मेरे यार, बहुत तबियत खराब हो गई है बैठे बैठे। टाइम हो गया अराउंड 11:30-12:30 बजे, हम निकल जाएंगे मैं और एम्बर। पैकिंग कर रहा हूँ, मैच देख रहा हूँ यहाँ पे साइड बाय साइड, मेक्सिको वर्सेस पोलैंड का मैच चल रहा है, 0-0 चल रहा है, ये तो खत्म ही है। यहाँ पे प्रोटीन शेक लेके जा रहा हूँ, जिम करूंगा वहाँ पे कल जाके गाइस पहुंचने के बाद। एम्बर भाई आप रेडी हो गए पैकिंग कर लिया आपने? कितना टाइम लगेगा तेरे को? 5 मिनट। जल्दी जा, फिर मैं नहाने जाऊंगा जा। और बस इसके अंदर क्रिएटिन डाल ली है, हमारे होक्स भाई जो पहलवान है उसने मेरे को दे दिया है एक डिस्पोजेबल प्रोटीन का वो आता है पाउच, उसने मेरे को वो दे दिया, वो लेके जा रहा हूँ। कल बढ़िया शूट कंप्लीट करेंगे, तबीयत के अभी भी लगे पड़े हैं। होक्स भाई कितना मिस करोगे हमें तुम? बहुत सर जी, तो मिलते हैं अभी निकलते हैं एयरपोर्ट पे। बाकी पैकिंग थोड़ी देर बची है वो भी कर लेता हूँ। हमारे सेक्सी सब तैयार होकर रेडी हो चुका है जाने के लिए, और हमारे एम्बर भाई खेल रहे हैं यहाँ पे फीफा बैठ के। जाने के नहीं जाना भोसड़ी के, 12 बजे हैं। हाँ तो एक मैच हो जाएगा ना, फिर चलते हैं। जीतने वाले चुनने वाले फिर से? भाई जीतूंगा, हर बार जीतता हूँ जरूर। हालत देखो इस बंदे की, ये किस लेवल का चुपता है, हालात बहुत खराब है बेचारे के। वो मार रहा है, गोल मार रहा है। ओ भाई जो मिस हुआ बेचारे का, कुछ कहना चाहोगे? This is life. अंधेरी अंधेरी रातों में निकल रहे हैं हम अपना देश छोड़ के। आ चुके गाइस घर के नीचे, टाइम हो चुका है 1:10। लौड़े एम्बर ने थोड़ा सा लेट कर दिया है, आई होप फ्लाइट मिस ना हो वरना एल हो जाएंगे, एल लग जाएंगे हमारे। कैब आ गई है, यहाँ पे जल्दी बैठते हैं, तो मिलते हैं आप सीधा एयरपोर्ट पे। बहुत अंधेरा यहाँ पे वरना दिखूंगा नहीं मैं, तो सी घंटे गाइस 2 घंटे करो, 1.5 घंटा बैठने के बाद फाइनली जाके हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। पता है बहुत अंधेरा है, मेरी शक्ल कम दिख रही होगी, लो देखो एयरपोर्ट पहुँच गए गाइस, कितना अच्छा लगता है पहुँच के 1.5 घंटे बाद। फाइनली एम्बर भाई, वी आर हियर एम्बर भाई, वी आर हियर ब्रो, रेडी टू फ्लाई ब्रो ब्रो।
बस अभी जाते हैं गाइस, ज़्यादा लगेज तो लाई नहीं मैं, तो उससे दो दिन के लिए गया हूँ। आई मीन जा रहा हूँ, एम्बर थोड़ा सा ज़्यादा लाया क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना वो जा रहे हैं फैमिली सिबलिंग से मिलने। तो बस सर जाते हैं अंदर, चेक इन वेकिन करते हैं, बैठते हैं, बनाया के एफ सी गाइस, खाना ले रहे हैं। भाई ने रिंगल लिया, मैंने भी लिया है, पेट पूजा करेंगे, फिर ए टी एम पर जाएंगे, पैसे निकालेंगे बहुत सारे क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत सारा, पता नहीं किधर है बट हमें छुपा रखा है, पर बहुत सारा। निकालने के बाद हम निकल जाएंगे दिल्ली। कंटेंट गलत बंदे के पास आए हो, पर ट्राई करता हूँ भाई, के एफ सी खा रहे हैं, मज़ा आएगा, पैसे निकलवाएंगे घर जाएंगे वापस। क्या लिया तुमने वैसे, क्या क्या लिया तुमने दिखा? भाई और मैं पीना स्टार्ट करेंगे, मेरा अपना बहू पेरी मत करियो, प्लीज़ मत करियो। केएफसी में नहीं मिलते ना पेरी पेरी? अभी तो नहीं, पर छोड़ मिल रहे। क्यों पसंद है तुझे इतना पेरी पेरी, क्या है ऐसा उसमें? तुझे कैसे नहीं पसंद? भाई 2 रुपए के होते हैं, 2 रुपए भाई। कमेंट सेक्शन में बता दो, पेरी पेरी ज़्यादा बेटर होते हैं नॉर्मल बेटर होते हैं? बैठ चुके हैं गाइस, 3 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली जाने की। अमर भाई 3 घंटा बोरियत, मिलते हैं दिल्ली में और AMD के शूट पे मिलते हैं। सो वी लैंडेड गाइस, अमर भाई थोड़ी अजीब हरकतें कर रहे हैं, उनको फ्लाइट में कोई 15 साल पुराना दोस्त दिख गया, वो उसको ढूंढने चला गया रैंडमली, अभिषेक नाम का, फ्लाइट में चलाना स्टार्ट हो गया अभिषेक अभिषेक करके आउट ऑफ नो वेयर सुबह 6:40 पे, और लोग हमें देखना स्टार्ट हो गया। मैं क्या बोलूँ, लैंड हो चुके हैं, ये है अपना दिल्ली का मौसम। अभी कुछ चेक इन तो कराया नहीं था, हैंड लगेज ही है, इसके बाद जाते हैं एयरपोर्ट में, जाते हैं एयरपोर्ट कह रहा होटल में जाते हैं, तुम्हें दिखाता हूँ कमरा कैसा होगा, रात को जाके घर वालों से मिलूँगा। निकलते अभी एयरपोर्ट, शूट है AMD का, करण भाई मुझे आ गए पिक करने, करण भाई के साथ में बैठा हूँ, करण भाई को मैं पहले से जानता हूँ, एंड मेरे को यही सबसे बेस्ट चीज़ लगती है AMD के बारे में, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो अपने क्रिएटर्स को भी एंड प्लस द वे वो हमें ट्रीट करते हैं, लव इट। अभी हम जा रहे हैं, कौन कौन है शूट पे? मॉडल छाए, मॉडल साए, विली, साक्षी, विली, साक्षी एंड पायल, पायल एंड काशवी, एंड हम 6 लोग हैं शूट पे। आज ही शूट है गाइज, अभी हम बस, मैं टर्मिनल 1 पे लैंड हुआ था, ये लोग टर्मिनल 2 पे है ना, टर्मिनल 2 ना, टर्मिनल 2 जा रहे हैं हम लोग। बाहर पर ऑलरेडी एक कार है उनको पिकअप करने के लिए, बट विली को मैंने फ़ोन करके बोला चुपचाप से लौड़े गाड़ी के अंदर पीछे। तो वहीं पे जा रहे हैं, मैं उनको पिक करने मिलवाता हूँ तुम्हें सबसे। वेलकम विली, वेलकम टू जेली मदरफकर, वेलकम टू माई सिटी, वेलकम पायल। बोलने जाती है इसका कितना बीटी देता रहता है ये बंदा, कितनी बीटी देता है ये बंदा, मतलब पूरी फ्लाइट में पकाया होगा इसने तुझे? नहीं हो पाया उससे विली, कुछ नहीं हो सकता उससे, तू सबको डसता है, तूने पूरी फ्लाइट में सबको डसा होगा। नहीं, मॉडल्स हो गया था ये, वो था सेम यार, क्या एक दूसरे को बोल रहे हो दोनों एक जैसे हो। मुझे को डैमेज पड़ रहा है, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे डैमेज पड़ रहा है? विक्रम तू बेताल है, और खिलाते हैं दिल्ली में बढ़िया खाना खिलाते हैं। इन फ्रंट ऑफ लेडीज वी आर राम लक्ष्मण रॉको हंटर। रूम में घुसे, ये मेरा रूम है जो बुक किया है, बाकी सारे क्रिएटर्स अपने अपने रूम में जा रहे हैं, फ्रेश अप हो रहे हैं, अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, 10-15 मिनट्स आराम से थोड़ा फ्रेश अप होंगे सारे, अपने रूम में चेक इन करेंगे, तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक रूम टूर। रूम की एंट्रेंस, ये दरवाजा खुलता नहीं है, पता नहीं क्या है, ये मेरा छोटू सा बैग, ये बाहर रोशनी ही रोशनी, जिसको अभी कभी मैं बंद करूंगा, मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कैसे करते हैं इसे। ओके, मेरे को समझ आ गया, यहाँ से करते हैं, कुछ ज्यादा खास व्यू तो नहीं है बट ठीक है, इसको नीचे कर दिया अपने, सॉरी बिस्तर दिखाना भूल, ये बेड मैंने किंग साइज नहीं लिया, मैंने 2 क्वीन साइज ले लिया, क्योंकि वैसे ही मैं अकेला हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही मैं इतनी सी जगह लेता हूँ बस सोने के लिए, लिटरली इतनी सी कोने पे, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए बिल्कुल सॉर्टेड है ये। ये थोड़ा चिल करने के लिए जगह बना रखी है इन्होंने, ये TV है जो हम गेमर्स कभी लाइफ में नहीं देखते, छोटा सा रूम है, सही है, बट ये रहा तुम्हारा सेक्सी सा भाई जो हमेशा सेक्सी है, ये रहा अपना वॉश बेसिन, हमारा ब्यूटीफुल सी जगह ये है नहाने की, ये मेरे को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लगी, टू मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लगी है यार, मैं एक्सपेक्ट करके चलता थोड़ा बढ़िया होगा, शावर एरिया बहुत छोटू सा है यार, बट ठीक है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आई एम हैप्पी। सो दैट्स इट, ये था रूम टूर, अब इसके बाद हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, वापस सबसे मिलवाता हूँ, एंड दैट्स इट, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, ब्रश वॉश करते हैं, सी यू लेटर। ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट खत्म गाइस, बट बिल्ली और मेरे को अभी भूख लग रही है, तो हम जा रहे हैं डेजर्ट्स। डेजर्ट्स
डिजर्ट मीठा 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 फिर लिप्स का पिंक लग रहे हैं पता है। हम जा रहे हैं मीठा खाने, मीठा ढूंढ रहे हैं, बाकी सब निकल गए हैं, खा लिया बाकी सब निकल गए। एंड हम गाइस यहाँ पे देखिए कैमरा स्विच नहीं होता क्या? नहीं होता। एंड गाइस हम लोग ये पूरे बड़े से यहाँ पे मीठा देख रहे हैं, मीठा देख रहे हैं, मीठा 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 खाए, मीठा खाए, मीठा मिल गया। क्या कर रहा है? मिलते हैं बाद में, मिलते हैं बाद में, मिलते हैं। यहाँ पे कलेश करवाएगा। हुआ 4:30, मैं कुछ अराउंड 3:20 पे सो के उठा था, मैं सो गया था ब्रेकफास्ट करने के बाद। आने के बाद कमरे में आके जिम करके आया तुम्हारा भाई, बढ़िया सा वर्कआउट करके आया। अभी मैं बनाने वाला हूँ अपना प्रोटीन शेक, एंड उसके बाद नहा के फिर शूट। हमारी टाइमिंग है अराउंड 5:36 हमारी टाइमिंग है, तो फिर मैं निकल जाऊँगा। तो अभी हम बनाते हैं प्रोटीन शेक, वेरी इजी प्रोटीन शेक। मैं इसमें ऑलरेडी क्रिएटिन डाल के आया हूँ आने से पहले। ये देखो क्रिएटिन डाल के आया था इसमें मैं आने से पहले बैंगलोर से, क्योंकि कैरी करने की जगह नहीं थी। ये मुझे होप्स ने दे दिया, होप्स के पड़े थे 1 स्कूप वाले सैशेस। भाई ये सोना है पता है, ये गिर नहीं सकता नीचे। मेरा एक एक प्रोटीन जाएगा, एक एक ग्राम प्रोटीन जाएगा मेरा अगर गिराए तो। जाए यार अंदर यार। ओके और हम डालेंगे पानी, पानी खाए। मैं मिल्क में नहीं पीता क्योंकि मैं जितना उतनी कैलोरीज अवॉइड कर रहा हूँ। बट जो लोग गेन करना चाहते हैं उनको मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगा, गाइस तुम लोग दूध में पियो। पर ऐसा नहीं है कि मैं दूध में बिल्कुल नहीं पीता। अपना कैलोरी इंटेक पूरा कम करने के लिए मैं बीच बीच में हर हफ्ते में 2 बार दूध में पीता हूँ, 4 बार पानी में पीता हूँ, और 1 दिन ऑफ लेता हूँ जिम से। ये पीने के बाद नहाते हैं, तैयार होते हैं और तुम लोगों को मिलवाता हूँ सबसे शूट पर, और देखते हैं शूट कैसा होगा। एक्चुअली सबसे नहीं मिलवा पाऊँगा, माय बैड। वहाँ पे मेरा, विली और पायल गए, तो मॉडल काश्वी एंड साक्षी का ऑलरेडी हो गया जहाँ तक मुझे पता है, तो तुम्हें शूट दिखाता हूँ कैसा होगा। सी यू लेटर। टाइम हो चुका है 8:20 और अब है हमारे शूट का टाइम। मैं बस तैयार व्यार हो गया हूँ, निकल रहा हूँ। विली, मैं और पायल, हम तीनों का शूट है एंड बस हम रेडी हो रहे हैं, नीचे मिलेंगे एंड हम लोग सीधा चल जाएंगे शूट के लिए। और वहाँ पे देखते हैं कैसा शूट होगा, तुम लोगों को दिखाता हूँ कितना कुछ होगा, क्योंकि जाते हैं हमें पता चले थे वीडियो शूट। तो देखिए कैसी लुक है और वाइफ कहेंगे ज़्यादा सेक्सी तो है। अपने शूट वाले एरिया पे हम आ चुके हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, AMD कभी भी मार नहीं खाता। जब भी बात आती है क्वालिटी की, इतना अमेजिंग सेटअप बना रखा है। मैं हल्का सा बस ग्लिम्स दूंगा, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, हल्का सा बस ग्लिम्स, ठीक है। ये देखो अभी जस्ट मेरा थोड़ा सा फोटोशूट हुआ है, बस इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता मैं, वरना बहुत गाली पड़ेगी मुझे, ठीक है। बाकी का और चीजें मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, जैसे ऐसे होती रहेंगी। अभी जस्ट फोटोशूट हुआ है तो अभी बस ये खत्म किया है एंड इसके बाद आगे का वीडियो शूट है अपेरेंटली। तो लेट्स सी। बच्चा है, बहुत ठंड है यहाँ पे, कुछ तो इंट्रोडक्शन हो रहा है मॉडल का, आशु साक्षी का। वहाँ पे बिल्ली भाई मेकअप करा रहे हैं अपना और मैं रेडी हो रहा हूँ। हेलो, मैं पीछे दिखा नहीं सकता गाइस क्या हो रहा है, अब दिखा सकता हूँ। अब दिखा सकता रात के 2:30 लौड़े लग चुके हैं हमारे लौड़े। अभी तक हमारा नहीं हुआ, अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ। तो शर्म नहीं आती लड़के सामने ये शब्द का प्रयोग करते हुए? कोई संस्कार नहीं है तुम्हें? पहल इसमें कुछ भी पता है मुझे भाई, मतलब पायल का हो गया, मेरे वाले टाइम पे लाइटिंग का इशू हो गया, तब से मैं वेट कर रहा हूँ और विली बेचारा वेट कर रहा है। बट पायल हम दोनों की वेट कर रही है कि हमारे साथ ही हो जाएगी, वरना उसको अकेले जाना पड़ेगा भाई बहुत। और कैसे जा सकती हूँ दिल्ली में, वो मैं रात के 3 बजे हाँ हाँ समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। नाइस वन पायल, नाइस वन, वेरी नाइस। मैं रोस्ट हो रहा हूँ, मेरे को ही रोस्ट कर रहे यहाँ पे। हाँ ठीक है, वैसे मैं खुद भी यही बोलूंगा नहीं जाना चाहिए। डन गाइस, फुल पैकअप, सब पैकअप हो रहा है, निकल रहे हैं। सुबह के 4:30 हो गए हैं और बस अब हम निकलने वाले हैं। थैंक यू कोचप्पा एंड थैंक्स टू AMD। वेलकम भाई।
टाइम टू गो टू बेड गाइस। मेरे पास है सुबह के 6 बज गए, टाइम है बस होने का 3 घंटा या 4 घंटा और मेरी फ्लाइट है 3:30 बजे की मुंबई। हम बनाएंगे नया ब्लॉग और मैं उसमें बताऊंगा मुंबई क्यों जा रहा हूँ। तो जिस जिसको ये ब्लॉग पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू ऑल, स्टे सेफ स्टे हैप्पी ऑलवेज।